क्या अपील की है? 375 प्रतिनिधि समूचे विश्व में ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बंपर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कामों के लिए राजनीति करें, सिर्फ विरोध करना है इसलिए राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा को लेकर जो समझ भी नहीं आता है, कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हो जाए तो कुछ नहीं, अपमान क्यों किया, करने वाले पर कार्यवाही करो। अगर इतना बोल दिया जाए तो भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करने लगती है। बीरनपुर में किसी की हत्या कर दी जाए तो कुछ नहीं, अगर ये कह दिया जाए कि हत्या क्यों किया, हत्या करने वाले से विधायक मिलने क्यों नहीं आए, तो भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली हो जाती है। यह इस पदपार्टी को समझना पड़ेगा। वहां पर जाकर बस्तर में जिस तरीके से धर्मांतरित लोगों ने जाकर के आदिवासियों को पीटा तो कुछ नहीं, कह दिया अगर क्यों पीटा तो भाजपा धार्मिक हो गई, धार्मिक आधार पर राजनीति करने लगी। देखिए भैया, धर्म तो हमारे नस नस में है, रग रग में है और समूचे भारत के रग रग में, तो उसमें कोई संशय नहीं। परंतु धर्म के आधार पर राजनीति ये कहना बहुत गलत है। मुझे कवर्धा के विधानसभा चुनाव के बारे में कहा जाता है, अरे जिस समय मोहम्मद अकबर वहाँ 60,000 वोट से जीते थे तब क्या वो मुसलमान नहीं थे या वहाँ की जनता हिंदू नहीं थी? तब धार्मिक नहीं हुआ, अभी हार गए तो धार्मिक हो गए, ये विचित्र बात है। ओल्ड झीरम मामले में वो सार्वजनिक होना चाहिए, FIR भी हुआ है उनके खिलाफ करती है। FIR तो वर्तमान में हुआ है और झीरम मामले में तो तत्कालीन वो वीडियो हॉस्पिटल वाला सबको ध्यान है, रणदास मोहन जी वाला और अंडा वाला सबको ध्यान है, तो उस पर भी जांच की प्रक्रिया क्या क्या हुई एक बार देखना पड़ेगा। सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी, दुर्ग संभाग, हम तो दुर्ग संभाग वाले हैं तो वहाँ बहुत सारे मंत्री दुर्ग ठीक ही थे। परंतु ये है कि सभी जगह के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए, जैसे कांग्रेस की परंपरा के आधार पर सिर्फ गांधी परिवार ही मुखिया हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी परिपाटी शुरू होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये क्या भूपेश बघेल अपने लोगों को लड़ाकर अपना कोई वर्चस्व स्थापित करने चाह रहे हैं इस दिशा में? राजनीतिक पार्टियाँ बड़ी होती हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि मैं इतने सारे लोगों को साध कर चलूंगा और अपना बना लूंगा, अपना समर्थक बना लूंगा, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये निराधार सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियाँ ये बहुत बड़ी बात होती है, ये जो कुछ भी आपके साथ अगर जीवन में कुछ मिलता है आपको तो वो दैव योग है। कांग्रेस के अंदर का जो अंतर्कलह है मैं उसके बारे में क्यों कुछ कहूँ, परंतु जो दिखता है सामने समाचार पत्रों से और आप लोगों के माध्यम से जो कुछ पता चलता है उसमें तो यही पता चलता है कि अनेक धड़ हो चुके हैं और सबको अपनी अपनी चिंता रह गई है वहाँ पर, जो कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी। शक्ति प्रदर्शन करने वाले वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे अवश्य, हम लोग तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के एक मत एकजुट होकर के नामांकन भरेंगे। भूपेश बघेल के खिलाफ भी ऐसे लोगों को ये लोग प्रत्याशी बनाते हैं, वो उनका मसला तो चाहे वो आप शराब का मामला कह लें, चाहे आप कोयले का मामला कह लें, चाहे आप रेत खदानों का मामला कह लें, चाहे बहुत सारे परिवहनों का और आदि आदि विषयों को ले लें, काजल की कोठरी जैसे हो गई, भैया कैसे मैंने साफ सुथरे लोग लाएंगे कैसे, मैं तो ऐसी बात कह रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ, उनको साफ सुथरा आदमी मिलेगा कैसे जिसको चुनाव लड़ा सके।